हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। मानव हृदय की संरचना हम पढ़ने वाले हैं। मानव की हृदय की संरचना को हम दो बिंदुओं में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मानव हृदय की जो सामान्य जानकारियां हैं और उसकी जो बाह्य संरचना है वो जानेंगे, और उसके बाद में अगले वीडियो में हम इसकी आंतरिक संरचना को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसकी आंतरिक संरचना में कौन कौन से भाग, कौन कौन से चैम्बर, कौन कौन से वाल्व और रुधिर का प्रवाह कैसे होता है वो अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम मानव हृदय की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। देखो, मानव का जो हृदय होता है वो पेशी जनित होता है। पेशी जनित होता है, पेशी जनित, इसे इंग्लिश में मायोजेनिक, मायोजेनिक। मानव का हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक होता है, पेशी जनित होता है। देखो, हृदय जो होता है, हृदय वो उसका फंक्शन, उसमें स्पंदन कहाँ से उत्पन्न होते हैं, किस तरह उत्पन्न होते हैं, उसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला मायोजेनिक होता है, एक और प्रकार का हृदय होता है जिसे कहते हैं न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक या पेशी जनित हृदय वो होता है जिसमें जो स्पंदन जो है वो पेशियों द्वारा उत्पन्न हो, स्पंदन की जो क्रिया हो रही है, जो स्पंदन उत्पन्न हो रहे हैं, स्पंदन पेशी द्वारा उत्पन्न। अगर स्पंदन पेशियों द्वारा उत्पन्न हो तो उस तरह के हृदय को क्या कहते हैं? मायोजेनिक या पेशी जनित हृदय। और अगर स्पंदन की क्रिया तंत्रिकाओं द्वारा उत्पन्न हो, तंत्रिकाओं द्वारा, अगर स्पंदन की क्रिया किससे हो, तंत्रिकाओं द्वारा उत्पन्न हो, तो ऐसे हृदय को न्यूरोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक, या इसे हिंदी में कहें तो तंत्रिका जनित, तंत्रिका जनित। तो मानव का हृदय कैसा होता है? पेशी जनित, यानी कि मायोजेनिक होता है, मतलब उनका जो हृदय है वो पेशियों द्वारा ही स्पंदन उत्पन्न करता है, उसमें तंत्रिकाओं का कोई रोल नहीं होता है। तो पहली बात हमने क्या जानी कि मानव का हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? मायोजेनिक होती है। नेक्स्ट, हृदय की जो उत्पत्ति है वो मीजोडर्म से होती है। उत्पत्ति, इसकी जो ओरिजिन है वो कैसी होती है? मीजोडर्म से होती है। हृदय की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हृदय के भार की, तो मानव का जो हृदय है उसमें मेल और फीमेल, मादाओं में और नरों में, यानी कि आदमी और महिला में जो है इसके भार में अंतर होता है। जो मेल होते हैं उनके हृदय का भार अधिक होता है, 280 से लगभग 340 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका भार होता है। लेकिन फीमेल्स में इसका भार थोड़ा कम होता है, वो 230 ग्राम से लगभग 280 ग्राम होता है, 230 से 280 ग्राम तक होता है। फीमेल्स में भार इसका कम होता है। नेक्स्ट है इसके आकार की बात करें, इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार कुछ शंकु जैसा, उल्टा शंकु, कुछ शंकु, हमने आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा शंकु का क्षेत्रफल, आयतन, ये सब ज्ञात करना, लगभग कुछ इस आकार का होता है। या अधिकतर बुक्स में आप इसे ऐसे लिखोगे या ऐसा लिखा पाओगे, कैसे कि ये एक बंद मुट्ठी के समान इसका आकार होता है, बंद मुट्ठी के समान, यानी कि आप अपनी मुट्ठी को जब बंद करो तो ऐसा लगभग इसी आकार का, और इतना ही इसका लगभग हृदय होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का जो हृदय है कुछ इसी तरह होता है, कुछ इसी आकार का होता है, ठीक है। बात करें इसकी स्थिति, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्थिति कि आखिर हृदय होता कहाँ है, इसकी स्थिति की बात करें
तो देखो, जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा किसकी बनी होती है? वक्ष गुहा जो बनती है वो मुख्य, उसमें जो कारक होते हैं होते पसलियां। क्या पसलियां? जो हमारी रिब्स होती है, 12 जोड़ी जो रिब्स होती है, ये मिलकर एक पिंजरा बनाती है, एक पिंजरे जैसी संरचना बनाती है, जिसे वक्ष गुहा कहते हैं। उसके अंदर जो खाली भाग है उसे वक्ष गुहा कहते हैं। इस वक्ष गुहा के अधर भाग में नीचे क्या होता है? ये संरचना होती है डायफ्राम, या हिंदी में कहें तनुपट, डायफ्राम। ठीक है, नीचे डायफ्राम होता है, ऊपर गर्दन द्वारा ये पृथक होता है। इसका जो पिछला भाग है वक्ष गुहा का, वो रीढ़ की हड्डी, और वहां से पसलियां आकर आगे उरोस्थि पर आकर जुड़ती है, और इससे एक कक्ष बना जिसे वक्ष गुहा कहते हैं। ठीक है, इस वक्ष गुहा में आकर खुलते हैं फेफड़े। वक्ष गुहा में स्थित होते हैं फेफड़े, इस तरह फेफड़े मौजूद होते हैं। ठीक है, ये जो फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, उस लंग्स के मध्य बीच में एक कुछ खाली स्थान होता है। ये जो बीच में ये जो गैप बन गया इतना, ये जो गैप है, इस गैप को, इस स्थान को मीडिया स्टेनम कहते हैं। मीडिया स्टेनम कहते हैं, दोनों फेफड़ों के मध्य खाली स्थान जो होता है उसे मीडिया स्टेनम कहते हैं। जो बायां फेफड़ा जो होता है, बायां फेफड़ा, वो थोड़ा अंदर की ओर, जैसे मैंने ये बना रखा है, थोड़ा अंदर की ओर धसा हुआ होता है, थोड़ा, जिसे कार्डियक नोच कहते हैं। ये जो अंदर की तरफ, जिसे हृदय खांच या कार्डियक नोच या हिंदी में हृदय खांच। तो ये जो हृदय खांच, ये जो मीडिया स्टेनम में जो हृदय खांच है, यहाँ हृदय पाया जाता है। हृदय कहाँ स्थित होता है? इस खाली स्थान में, ये जो मीडिया स्टेनम है, यहाँ पर हृदय पाया जाता है, यहाँ हृदय पाया जाता है, इस तरह मौजूद होता है हृदय। तो हृदय की स्थिति कहाँ है? वक्ष गुहा में, दोनों फेफड़ों के मध्य जो रिक्त स्थान है मीडिया स्टेनम, उसमें स्थित होता है हृदय। ठीक है, और हृदय, अगर हम हमारे शरीर को से जो मध्य से गुजरती हुई रेखा अगर हम देखें, जो हमें दो बराबर भागों में बांटती है, अगर इस अक्ष से देखा जाए तो हृदय जो है वो लेफ्ट साइड में ज्यादा झुका हुआ होता है। हृदय का लगभग दो तिहाई भाग, कितना भाग? दो तिहाई भाग जो है वो लेफ्ट साइड में, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। तो जो हृदय जो है वो दो तिहाई भाग बाईं ओर झुका हुआ होता है। कहाँ होता है? इसका अधिकांश भाग, दो तिहाई भाग जो है बाईं ओर झुका हुआ होता है, इसका पिछला हिस्सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं कि हृदय जो है वो बाईं ओर होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। लेकिन आप ऐसे भी न समझे, जैसे बुक्स में हम सीधे सीधे लिखा मिलता है कि बाईं ओर होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हृदय पूरा बाईं साइड में, नहीं, बस उसका केवल दो तिहाई भाग ही बाईं ओर झुका हुआ है, इसलिए हम कह देते हैं कि हृदय बाईं ओर होता है। लेकिन पूर्णतः बाईं ओर नहीं होता, कुछ हिस्सा इस अक्ष पर भी स्थित होता है। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या क्या देखा? पहली बात, हृदय पेशी जनित होता है, यानी कि स्पंदन पेशियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। दूसरा, इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म द्वारा होती है। भार मेल्स में 280 से 340 ग्राम, फीमेल्स में 230 से 280 ग्राम होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। स्थिति हमने देखी कि यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित जो अवकाश है मीडिया स्टेनम, उसमें ये पाया जाता है, और थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ होता है, लगभग इसका दो तिहाई भाग बाईं ओर जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अब हृदय की बात करते हैं, इसके हृदय में कुछ आवरणों की बात करते हैं। तो जो मानव हृदय होता है, उस हृदय जो है वो एक बैग नुमा संरचना में सुरक्षित रहता है,
मैं अभी समझाने के लिए इस तरह हृदय बना रहा हूँ, ये आप इसे हृदय समझें, ठीक है। ये ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो है वो एक बैग नुमा संरचना में सुरक्षित रहता है, और वो भी दोहरी झिल्ली से बना हुआ बैग। ये इस तरह इस पर दोहरी झिल्ली से बना हुआ बैग जैसी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है। इस बैग को, ये जो दोहरी झिल्ली से बना ये जो बैग है, इस बैग को पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, ठीक है। अभी हम हृदय की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना। हृदय भी एक बैग नुमा संरचना में पैक रहता है, उस बैग नुमा संरचना को पेरिकार्डियम कहते हैं, जो दो झिल्ली से मिलकर बना है। कितनी झिल्ली से मिलकर बना है? दो झिल्ली से बना हुआ है। इसमें जो बाहरी झिल्ली है, पेरिकार्डियम की भी जो बाहरी झिल्ली है, जो आउटर मेम्ब्रेन जो है, उसे बाहरी झिल्ली को पैराइटल पैराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। पैराइटल पेरिकार्डियम, बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो अंदर की झिल्ली है, बाहरी को पैराइटल पेरिकार्डियम, जो अंदर की होती है उसे विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। तो हृदय एक बैग नुमा संरचना में सुरक्षित रहता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, जो दो झिल्लियों से मिलकर बना है। उसकी बाहरी झिल्ली को पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, आंतरिक झिल्ली को विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य, ये जो दोनों झिल्लियां हैं, इन दोनों झिल्लियों के मध्य एक फ्लूड भरा रहता है, एक द्रव्य भरा हुआ होता है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य क्या भरा हुआ है? एक द्रव्य भरा हुआ होता है, फ्लूड है। और ये फ्लूड बहुत काम का है, हृदय को बचाने का कार्य करता है। इसे पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं। हिंदी में इसे हृदय आवरण लिखा होगा, हृदय आवरण। और इस द्रव को हृदयावरणी द्रव्य, हृदयावरणी द्रव्य या पेरिकार्डियल फ्लूड कहते हैं, ठीक है। ये जो फ्लूड है काम क्या करेगा? क्योंकि द्रव्य जो है हमेशा दो झिल्लियों के बीच में, इस बैग में द्रव्य भरा हुआ है, तो ये हृदय को बचाएगा। ज्यादातर क्या काम कर रहा है? सुरक्षा का कर रहा है। क्या कार्य है इसका? सुरक्षा। सुरक्षा किस किस से? ये हमें बाह्य आघातों से, हृदय जो है इस हृदय को बाह्य आघात क्या होंगे? बाहर से कोई चोट लगे तो वो चोट, अगर मान लो यहां से किसी तरह की कोई चोट लगे तो वो चोट इस द्रव्य से होती हुई गुजरेगी, तो द्रव्य उसे एब्जॉर्ब कर जाएगा, उस चोट को यहीं रोक लेगा, आगे तक हृदय तक नहीं जाने देगा। इसके अलावा हृदय भी लगातार संकुचित हो और विस्फारित होता रहता है, यूं धड़कता रहता है, तो इसकी वजह से भी जो जो ये फ्लूड है, इससे जो स्पंदन उसे वहीं रोक लेगा। यानी कि एक तरह से घर्षण और दूसरे अंगों के साथ जो घर्षण की क्रिया होगा वो नहीं होने देगा। तो दूसरी तरीके से ये घर्षण से भी बचा रहा है, दूसरे अंगों के साथ कोई घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो, उससे ये बचा रहा है। इसके अलावा हृदय में लगातार मॉइस्चर बनाता रहता है, ठीक है, उसे आर्द्र बनाए रखता है, तो आर्द्र बनाए रखने का भी ये कार्य कर रहा है, ठीक है। तो पेराइटल फ्लूड जो, ये सॉरी पेरिकार्डियल फ्लूड जो है, जो कि पेराइटल और विसरल के मध्य भरा हुआ होता है, वो बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, घर्षण से सुरक्षा करता है, और हृदय को आर्द्र बनाए रखता है, हृदय में नमी बनाए रखने का कार्य करता है, मॉइस्चर बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है, ठीक है। तो हमने इस बैग की, पेरिकार्डियम जो है उसकी बात की। नेक्स्ट अब हृदय की भी बात करते हैं। हृदय जो होता है उस
हृदय में, ये मैं हृदय बना रहा हूँ केवल अभी समझने के लिए, ये मैंने हृदय की संरचना बनाई। ठीक है, हार्ट जो होता है उस हृदय पर भी तीन झिल्लियां पाई जाती है, हृदय पर भी तीन झिल्लियां होता है, यहां कन्फ्यूजन नहीं रखना है। हार्ट की बात यहां हमने पेरिकार्डियम में नहीं की थी, ये तो पेरिकार्डियम है क्या, उसको घेरा हुआ एक बैग है दो झिल्ली से बना हुआ। अब हार्ट की भी बात करते हैं, हार्ट पर भी तीन मेम्ब्रेन पाई जाती है, तीन झिल्लियां पाई जाती है। हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, हृदय पर भी तीन झिल्लियां पाई जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये हरे जो मैंने बनाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, बीच की है ये, जो सबसे ज़्यादा मोटी और सघन होती है, और तीसरी जो है वो सबसे बाहरी होती है, जो संयोजी ऊतकों की और तंतुओं की बनी हुई होती है। सबसे जो बाहरी होती है उसे एपिकार्डियम, ध्यान रखना ये कार्ड वर्ड जहां पर भी आता है वो कहीं ना कहीं हृदय से जुड़ा हुआ है, जैसे कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, हृदय का जो उससे संबंधित जो डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, जहां पर भी कार्ड वर्ड आता है ये वो कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड होता है बायोलॉजी में। तो एपिकार्डियम सबसे बाहरी झिल्ली को कहते हैं एपिकार्डियम, क्या कहते हैं एपिकार्डियम, संयोजी ऊतकों की बनी हुई होती है। मध्य में जो मोटी और सघन जो स्तर होता है, जो पेशियों का बना हुआ होता है, उसे मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, ये हृदय पेशी से मिलकर बना होता है। पेशियां जो होती है वो तीन तरह की पेशियां होती है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशियां, जो तीसरी पेशियां हैं मायोकार्डियम में पाई जाती है, ये जो इस लेयर है इसमें पाई जाती है हृदय पेशियां, कार्डियक मसल्स। ठीक है, और एक सबसे भीतर की है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं, एंडोकार्डियम, यह भी संयोजी ऊतकों से बनी हुई होती है। तो इस तरह हृदय जो है उस पर भी तीन झिल्लियां होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, हमने हृदय के एक जनरल बातें की है, उससे संबंधित हमने सारी बातें की। पहली बात, इसका अपना जो हृदय है वो पेशी जनित होता है, उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, भार 230 से 340 मेल फीमेल में थोड़ा अंतर, इसका आकार बंद मुट्ठी के समान वक्ष गुहा में होता है ये, और मीडिया स्टेनम में होता है दोनों फेफड़ों के मध्य। हमने देखा कि हृदय एक बैग नुमा संरचना में सुरक्षित रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, ये कार्य क्या कर रहा है, ये बाह्य आघात सुरक्षा, घर्षण, आर्द्रता, ये सब कार्य कर रहा है। इसके अलावा हृदय भी तीन झिल्ली से मिलकर बना है, बाहरी झिल्ली को एपिकार्डियम, मध्य झिल्ली को मायोकार्डियम, अंतः झिल्ली को एंडोकार्डियम कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका वो हृदय की आंतरिक संरचना पर होगा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।